नोच के मेरा नाक का भी निकाल दिया पता है। हाय, सैलेड है, डिलीशियस चिकन है, सब फीवर चढ़ गया था रात में और इनको बस नहीं रात की लाइट चालू करो। तो देखिए गाइस, मैं आज ये वाला पहनने जा रही हूँ। ये है टॉप, मतलब कुर्ती टाइप में है लेकिन बंद है, पीछे से कुछ ऐसा है, इसमें हम लोग बेल्ट भी लगा सकते हैं। ये वाली जो डिज़ाइन है ना गाइज, ये मुझे बहुत टाइम से लेनी थी, बहुत ज़्यादा मुझे ये वाला डिज़ाइन पसंद है। ये इस तरीके का, मतलब मुझे इसमें का चाहिए था, बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, तो फाइनली ये मुझे मिल गया और मैंने ले ली। बट इसमें मैं बेल्ट नहीं लगाने वाली हूँ। यहाँ से देखिए ये पूरा बंद है, इलास्टिक लगी है साइड से, ठीक है। और इसकी स्लीव देखिए, बहुत अच्छी स्लीव है इसकी, जॉर्जेट कपड़े में है, कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। इसमें यहाँ पर ऐसे फ्रिल्स लगे हुए हैं, मुझे बस ये डिज़ाइन चाहिए था और माशाल्लाह से मुझे मिल गया। इसके ऊपर है ये वाला दुपट्टा। ये वाले दुपट्टे की मैं बात बताऊँ ना गाइस, तो ये दुपट्टा पता है बहुत ज़्यादा पुराना है मेरा, बट अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं करी थी। तो देखो मैच इस पर ही हुआ आखिर में, सेम ये वाले कलर की ही ये डिज़ाइन इस पर है और वाइट दुपट्टा है। ये इसकी वाइट वो है, बेल बॉटम है, बेल बॉटम। तो आज की मेरी ड्रेसिंग होने वाली है ये। अभी हम लोग नौमान का भी कपड़ा निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने निकाली हूँ नौमान के लिए ये वाला ड्रेस छोटू सा, क्योंकि जब मामा वाइट पहनेगी तो बेटू भी वाइट पहनेगा। मैंने सोची हम लोग दोनों मैच कर लेते जब है तो। तो इसका भी सेम ये जीन्स के, मतलब थोड़ा सा हल्का पुल्का फ़र्क है, बट ऊपर का हम लोग का वाइट होने वाला है। नहीं, मेरा नीचे वाइट है फुल और इसका ऊपर वाइट है फुल। तो मैंने सोची थोड़ा सा ट्यूनिंग कर लेती हूँ अपने बेटू के साथ में और हम लोग फटाफट से रेडी होते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं ज़ारा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नौमान। फ़ोन नहीं लेने का बेटा। तो अभी मैं चेंज कर चुकी हूं, ये है मेरी ड्रेसिंग कुछ इस तरीके की। इसमें देखिए साइड में पॉकेट भी है और इसकी स्लीव मुझे बहुत अच्छी लग रही है। नौमान क्या देख रहा है बेटे तू? फ़ोन को ऐसे पकड़ा जाता है, पता नहीं कैसे पकड़ा जाता है। तो अभी इसको मैंने बस ऊपर का पहनाई हूँ और हगीज पहनाई हूँ और ये मेरी हालत देखो, कल इसने ना नोच के मेरा नाक का भी निकाल दिया पता है, तो मैंने बस उठा के पीछे ही रखी हूँ। रुक जा। और अभी देखो कपड़े वपड़े सब धोले हैं, ईद के जितने भी थे ये देखो, अभी सब कुछ घड़ी करना है। तो ये काम रुक ना, देखो 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 फोन देखो देखो, अरे यार फ्लैश ऑन कर दिया बेटे तू। तो अब मैं वहाँ देखो फ़ोन कैसे ले रहा है, देख लो फांतला। तो अभी है ना गाइस, मैं वहाँ से आएंगे हम लोग जब दावत खा के, फिर उसके बाद सोच रही हूँ रात में। तो अभी हम लोग वहाँ से जब आएंगे रात में फ्री होके, तो मैं बाकी के कपड़े वपड़े का काम करूँगी, काम ख़त्म करूँगी घर का। बहुत तंग करता है बहुत। अभी इसके अब्बा आए नहीं है, इसकी वजह से हम दोनों बस ऐसे ही। अभी मैं रेडी शेडी भी नहीं हुई, मेरा मन नहीं, क्योंकि रात का टाइम है यार, अभी बस यहीं तो जाना है, इस वजह से मैं कुछ तैयार नहीं हुई हूँ। बेटा रुको थोड़ा सा वीडियो बनाने दो। तो गाइज आज का ब्लॉग जो है शायद मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा ही होगा, पता नहीं देखूँगी। अभी फ़िलहाल जा रही हूँ इसको लेकर थोड़ा लेट नहीं, जब वो आएंगे फिर हम लोग निकलेंगे तो उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोग चले, ये बेल्ट का ऐसा ही रहता है यार प्रॉब्लम। नो मान, दिखाओ इस तरफ करो इसको। इधर देखो बेटा, इस साइड देखो, तुम घूमो ना, ये लिफ्ट देख, लिफ्ट देख। नो मान, हाय, मजा आ रही है? बहुत मजा आता है, इसको बाहर निकलो वैसे ही मजा आ रही है बेटू को। और यहाँ तो कांच टूटेल है। तो गाइस देखिए, अभी तक यहाँ पर हमारी ईद की दावत ही चल रही है और माशाल्लाह बहुत कुछ इन्होंने मतलब बना दिए थे और यहाँ पर खाना भी है। इतना सब तो है, पराठा है, सैलेड है, डिलीशियस चिकन है, राइस है। चलो आ जाओ, आओ चल सुफियान आ जा, चलो तुम लोग भी आ, तुम लोग भी आ जाओ।
The next day. ओके गाइस, तो अभी देखिए ये डायरेक्ट है ना शूट जो है वो सेकेंड डे का है। कल मतलब हम लोग वहाँ से रात में आए थे और खाना तो खा ही चुका था, ये तो इतना नहीं खाए थे, मैं खाई थी पेट भर के और ये आके फिर इधर पे खाए थे और हम लोग फिर ना थक हार के सो गए, मैं कुछ काम नहीं की थी। उसके बाद कल की ही मतलब रात से नौमान की तबीयत ख़राब हो गई, मतलब इसको अच्छा खासा फीवर चढ़ गया था रात में और सर्दी हो गई थी, नाक से पानी जा रहा था, तो इसके लिए फिर मैंने सुबह से भी कुछ नहीं की और अभी दोपहर में इसको मैंने अभी दोपहर में मैंने इसकी मेडिसिन लेकर आई हूँ। अभी जाके अभी मेडिसिन देखो यहाँ पर ही इसकी पड़ी हुई है, ये देखो ये रही दोनों मेडिसिन, और अभी इसको मैंने यहाँ पर है ना ये सेब का जूस भी निकाल कर खाई हूँ और उसको खरगोश के जैसा ना मैंने खाई हूँ, बाकी उसको मैंने जूस पिलाई हूँ। अभी थोड़ा सा एक्टिव हुआ है ये, वरना सुबह से बहुत चिढ़ रहा था और उसके आँख में से और नाक में से पानी जा रहा कंटिन्यू कल से। ये देखो अभी भी इसकी शक्ल देखो, लेकिन अभी थोड़ा उसका खेलने में मन लग रहा है। और अभी टाइम देखो 8 बज चुके हैं रात के, मैं डायरेक्ट अभी शूट कर रही हूँ, पूरा दिन मेरा इसी में गया है। तो मैंने सोची कि अभी ब्लॉग को फटाफट कंटिन्यू करती हूँ और इस ब्लॉग को देखते पता नहीं कितना बड़ा बन रहा है, तो यहीं पर एंड कर दूँगी, मतलब आज कई रात तक मैं एंड कर दूँगी इसको, अभी थोड़ा सा ही खेल रहा है। तो प्लीज़ गाइज आप लोग दुआ करिए नौमान के लिए, आजकल इसको बहुत फीवर वीवर चढ़ने लगा है भाई, और दुआ करो कि अल्लाह ताला इसको सेहतमंद ज़िंदगी दे और मुझे बहुत ज़्यादा सब्र दे और मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की हिम्मत दे और मुझे खाना खाने की भी हिम्मत दे और मैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ और मैं थोड़ी सी मेरा थोड़ा सा वेट गेन हो जाए और नौमान को अल्लाह ताला वो दे दे, शांति दे दे और नौमान को अल्लाह ताला सब्र दे दे, ताकि वो उसकी अम्मा को थोड़ा कम परेशान करे, अम्मा की थोड़ी कम जान जलाए। तो मेरी दुआओं पे सब लोग को आमीन ज़रूर कहना है, ठीक है। और अभी देखो इसको कुछ मिला नहीं है खाने के लिए, ये खा रहा है बैठ के। और ये देखो घर देखो, हाँ मैंने आप लोगों को ये नहीं दिखाई थी, वाह वाह वाह, चलो दिखा देती हूँ, पड़ा है तो दिखा रही हूँ। ये इसकी ईदी है, इसकी छोटी नानी जो मैंने बताई हूँ ना, मेरी जो आंटी है ये उनकी तरफ से इसके लिए ईदी था, ये इनको मना नहीं है, आखिर में छुड़ा दिए देखो कैसा, और ये इससे खेल रहा है, ठीक है। ये है और इसके साथ है ना ये देखो ये गिलास है छोटा घंटी वाला, ये देखो है ना, इसके अंदर घंटी है जो इनविजिबल है, और इसके साथ में छोटा सा स्पून है बहुत अच्छा, और ये है ना बहुत मस्त, मतलब अच्छा वो है वज़न वाला है, ये देखो ये ऐसे खेल रहा है। तो प्लेट से तो वो ईद के दिन से ही खेल रहा है जब से मतलब आया है, और ग्लास से भी खेल ही रहा है, चम्मच उसका यूज़ हो रहा है, चम्मच से मैं उसको खिला रही हूँ खाना, और ये दोनों चीज़ों से ना बस वो खेल रहा है अभी। तो गाइस देखिए अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने, मतलब अभी यहाँ पर मैंने पानी चालू रखी हूँ और इसमें जो है नौमान के कपड़े मैंने धो के डाली हूँ, ये देखो आधे यहाँ हैं अभी धो इसको सुखाने हैं और आधे सूख रहे हैं। नौमान के कपड़े मैं हाथ से धोती हूँ और ये गाइस कपड़े देखिए आप लोग, ये देखिए ये बेडशीट है और ये ब्लैंकेट है भैंस के जैसी मोटी वाली। तो ये ईद के दिन मतलब मैंने लास्ट आपको बताई थी कि मैंने चांद्रा से एक दिन पहले ही सारे कपड़े धोए थे घर के, है ना, तो ईद से 3 दिन और अभी 4 दिन हो गए, 4 दिन के ये कपड़े इतने निकले, जिसमें कि ये न्यू वाली बेडशीट ही 2 निकल गई है ईद में जो बिछाई थी, ये देखो 2 बेडशीट ख़राब हो गई मेरी, और ये वाला ब्लैंकेट नौमान ने ख़राब कर दिया जिसमें पुट्टी लग गई थी, बाकी सारे कपड़े टॉवल उसकी बेड उस मतलब नौमान का ही सब ज़्यादा ख़राब किया हुआ सामान रहता है, बहुत ज़्यादा कपड़े देखो बहुत ज़्यादा इतने भरे पड़े, मैंने सिर्फ गैलरी में ना सब फेंकती जा रही थी, मुझे टाइम ही नहीं था। आज मैं कर रही हूँ काम और मैं आप लोगों को ये देखिए घड़ी भी आप देख सकते हैं 11:05 हो रहे हैं, नौमान को यहाँ पर सुलाया जा रहा है और मैं लग चुकी हूँ अभी अपने काम में, यहाँ पर ये सब मेरा डिश वॉश और कपड़े धोने वाला लिक्विड ये सब है, मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ। अभी फटाफट से मशीन जो है चलिए अपनी हो चुकी है बंद कर देते हैं, फटाफट से मशीन चालू करती हूँ, साथ साथ में वहाँ अंदर किचन में बर्तन का ढेर लगा हुआ है, यहाँ पर मैं हूँ और कपड़े धोती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस देखिए 1:15 मतलब 1 में 10 कमी है, और ये अभी फ्रिज में ढूंढ रहे हैं कुछ खाने का, इनका ये चालू रहता है रात भर। नौमान
ये बेटे, और ये देखो घर की हालत, कहाँ खोए बेटे। और अभी माशाल्लाह इसको बहुत आराम है, एक खुराक में इसको आराम हो गया दवे से। और ये देखिए कपड़े, मैंने सारे कपड़े फैला दिए, यहाँ पे दो दो बेडशीट हो गई है। और यहाँ पर सारे किचन के कपड़े भी, ये देखिए मतलब जगह ही नहीं बचती है जब कपड़े धुलते हैं। ये देखो बाप बेटे को फ्रिज में झांकने चले। ओ हेलो, कुछ बोलना है आपको? इनको बस नींद आती, लाइट चालू करो। ये तो देखो अपना पूरा बंदोबस्त मस्त कर लिए, सब हो गया। ये देखो नौमान के कपड़े मैंने यहाँ पर भी डाली हूँ। और देखिए पूरी विंडो फुल है, फुल नीचे ऊपर आगे पीछे, और वो वाली विंडो देखो पूरी फुल। हम बताते हैं, नौमान पीछे पीछे ही घूमता रहता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ मैं नौमान के कपड़े रखी हूँ, और मेरा ईद का नया कपड़ा है बस। और देखिए इसको लगा पड़ा है, और ये कहाँ चले गए अभी, देखो ये कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, इनको देख लो खाली गाइस। ये देखो लाइट चालू करो, ओ लाइट चालू करो। ये देखो फ्लैश ऑन करी हूँ। ये देखो गाइस अभी पूरा बर्तन वर्तन धोई हूँ लास्ट, अभी मैंने सिर्फ दूध पी हूँ। अरे लाइट ऑन कर दो यार। देखिए पूरे बर्तन धो दी, किचन धो दी, ये नौमान के खिलौने भी धो दी, पानी निथरने के रख दी। नौमान की प्लेट को मैंने ना पानी में से डिप करके रखी ताकि ये स्टिकर ना छूट जाए, ये मेरा काम बहुत बड़ा है। देखो आ गया तबाही मचाने, आ गया बच्चा, सब खींच खींच के गिरा रहा है, सब खींच खींच के। देखो देखो चलो चलो बेटा चलो चलो जाएगा चलो। हाँ लाइट बंद कर दो, लाइट अच्छा नहीं, चलो हाँ बाय बाय, चलो चलो फ्लैश ऑन फ्लैश ऑन फ्लैश ऑन हुई। चलो आ जाओ चलो, अभी आएगा पीछे। तो बस यहाँ का दरवाज़ा बंद नहीं किए, क्या हुआ बेटा क्या हुआ? चलो सोएगा, देखो एक तो बज गया। अब चली मैं वीडियो एडिट करने, कल सुबह इसको अपलोड कर दूँगी। और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दुआओं में याद, अल्लाह हाफिज़।